स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए शिक्षक भर्ती बड़े स्तर पर होने वाली है और उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एग्जाम कब तक होगा 100% रियल न्यूज़ आपको देंगे। और साथ में क्या डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो चुकी है, यानी कि अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो 10 स्टेट वाले एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो सारे डाउट हम आपके इस वीडियो में दूर करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार एसटेट वाले जिन्होंने एसटेट की परीक्षा दी है उनका रिजल्ट कब आएगा और दोबारा एसटेट की परीक्षा कब होगी, क्या दोबारा एसटेट वालों को इस बीपीएससी ट्री 4.0 में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारे डाउट आपके दूर करेंगे। पद कितने हैं पीआरटी के, जूनियर के, टीजीटी के, पीजीटी के, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी ट्री 4.0 को लेके। पहले हम बता दें कि कुल पद कितने हैं, तो कुल पद की बात करें तो 1 लाख प्लस पद आपके जाने वाले हैं। अभी इन्होंने 1 लाख पदों की जानकारी दी है। इसके साथ ही ट्री 1, 2, 3 में जो भी पद बचेंगे वे भी इस भर्ती में ऐड कर दिए जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी 1 लाख के प्लस के करीब आपके पद जाने वाले हैं ट्री 4.0 के लिए। और आगे बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो फॉर्म का आपको बता दें हम बिल्कुल कन्फर्म बताएंगे, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी कि वही कि 25-26 तारीख के लास्ट में जाके आपके पक्के फॉर्म निकल जाएंगे अक्टूबर में। या फिर अगर अक्टूबर में नहीं निकलता है तो 100% कन्फर्म कहा है कि 15 नवंबर तक हम लोग 100% फॉर्म को नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे। तो हमने बता दिया आपको कि फॉर्म स्टार्ट आपके कब से होंगे, या तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर 15 नवंबर तक 100% कन्फर्म है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, जो कि बहुत बड़ी शिक्षा भर्ती है। और आगे बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है पहले ही कि मुश्किल से 1 महीना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 2 महीने दे सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर आपके अक्टूबर में फॉर्म निकलते हैं तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, या फिर 15 नवंबर के या 20 नवंबर के करीब आपके फॉर्म निकलते हैं तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मान चले मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही आपको देंगे। तो जो बिहार की शिक्षा भर्ती की तैयारी करना चाहता है, चाहे पीआरटी हो, जूनियर पीआरटी हो, जूनियर टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, वो अभी से तैयारी में लग जाइए, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो आपको बता दें हमने कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 15 नवंबर से 100%, या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में तो होंगे, अगर वहाँ नहीं तो 15 नवंबर से 100% आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट वही जनवरी फरवरी के महीने में जाएगी, ठीक है। तो आगे बात करो वैकेंसी डिटेल्स, वैकेंसी डिटेल में बताएंगे कि किस में कितने पद है। जैसे कि बात करें पहले पीआरटी की, तो पीआरटी के अंदर कितने पद हैं, 25 से 30 के, यानी 25,000 से 30,000 के करीब लगभग आपको पद देखने को मिलेंगे। इससे कम आपके पद नहीं आएंगे, ज़्यादा वाले आ जाओ, 25 और 30 के बीच में आएंगे 100%। आगे बात करें फिर जूनियर में, तो जूनियर में आपको पद देखने को मिलेंगे 15 से 20,000 के करीब, ठीक है, बस 18-19 ऐसे भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, नहीं लगभग 20 के आप मानकर चलिए। तो ये जूनियर में अलग अलग आएंगे भाई, हिंदी के अलग, मैथ साइंस के अलग, एसएसटी के अलग, ऐसे करके जो भी आपके सीमाएँ का वो बात अलग है कि भाई मैथ में मान लो मैथ और साइंस के साथ होते जूनियर का, उसमें 6 आगे, 6,000 आगे, 7,000 आगे, ये हिंदी में लगा तो अलग अलग हो गए, लेकिन टोटल बता रहे हैं हम कि जूनियर में टोटल 15 से 20,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बात करें फिर टीजीटी की, तो टीजीटी के अंदर भी आपको 20K यानी 20,000 के अप्रोक्सीमेट आपको पद देखने को मिलेंगे, ठीक। और बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में 20 से 25,000 तक इसके अप्रोक्सीमेट आपको पद देखने को मिलेंगे। हमने डिटेल बता दिया पूरी, हमने बता दी लगभग 1 लाख के प्लस आपके पद जाएंगे, तो उसमें आपकी अलग अलग हमने बता दिया पीआरटी के अंदर कितने आएंगे, जूनियर के अंदर, टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर, आपको जानकारी दे दी है, ये समझ में आई होगी कि कुल पद कितने हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट कब होगी, वैकेंसी डिटेल, ठीक। तो देखो बहुत बड़ी भर्ती है, इतनी भर्ती शायद किसी राज्य में आपको देखने को ना मिले, ना ही सेंटर में देखने को मिलेगी कभी भी, शिक्षक बहुत बड़ी शिक्षा भर्ती है। और ऐसा नहीं है कि पीआरटी में हो, पर पीआरटी में बहुत ज़्यादा पद है, जूनियर में, पीजीटी में, टीजीटी में, सब में बहुत बड़ी संख्या पद है, इतने पद कभी भी ना तो यूपी में आएगा ना किसी स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे कभी भी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्या डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो गई है। डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब यह है कि अगर बिहार ने डोमिसाइल को अप्लाई कर दिया है तो 10 स्टेट वाले उसमें एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की, यानी कि डोमिसाइल नीति नहीं है और 10 स्टेट वाले क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल है, ठीक है। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है। जैसे अगर आपको पीआरटी का फॉर्म भरना है तो आपके पास बीटी यूपी से हो तो बीटीसी होनी चाहिए, ये डेलेट आपके पास होने चाहिए, इसके साथ ही साथ सीटेट का फर्स्ट पेपर आपका पास हो और आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अदर स्टेट में जनरली माना जाता है, तो आपके पास एसटेट हो या तो बिहार का, या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए। एसटेट मतलब जैसे यूपी टैट होता है, सीटेट होता है ना, हरियाणा टैट होता है, तो ऐसे बिहार में एसटेट होता है, टीचिंग एग्जाम का टेस्ट होता है। तो बिहार स्टेट की अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछूं, बताऊं आपको, तो बिहार स्टेट फर्स्ट था जो, उसका रिजल्ट आपका आएगा 7 सितंबर को, इन्होंने कन्फर्म खुद ही बताया है कि 7 सितंबर को हम रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके साथ ही जो भाई चाहते हैं कि हमारे पास सीटेट, जैसे बता दूं थोड़ा सा आपको, अगर पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो सीटेट फर्स्ट पास चाहिए आपके पास,
जूनियर में अप्लाई करना चाहते हो सी टेट सेकंड पास होना चाहिए 90 मार्क्स के साथ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट में जनरल माने जाओगे। ठीक, अब बात आते हैं टीजीटी और पीजीटी की। अगर आप टीजीटी की तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास सी टेट नहीं चलेगा, आपके पास बिहार का स्टेट होना चाहिए। अगर कोई भाई चाहता है कि मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है तो आपके पास स्टेट होना चाहिए बिहार का, ठीक है। जिसने पहले स्टेट फर्स्ट का मतलब ये मत सोचे कि पहला दूसरा पेपर नहीं, स्टेट फर्स्ट का मतलब ये है कि इन्होंने बिहार का स्टेट लिया था, एक जैसे होता है ना यूपी टैट, ऐसे बिहार का पहला टैट लिया इन्होंने, तो उसके रिजल्ट 7 सितंबर को जारी हो जाएगा। और कोई चाहते हैं मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है तो आप दूसरे स्टेट सेकंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 15 सितंबर से, इस फॉर्म को भर दीजिए। तो आप आपका सी टैट है आप ये दोनों फॉर्म ही भर सकते हो, बिहार का टैट है तो आप ये टीजीटी वाला भी फिल कर सकते हो। ऐसे ही इसका एग्जाम जो 15 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में हो जाएगा, यानी कि जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले ही ये रिजल्ट एग्जाम लेकर रिजल्ट जारी कर देंगे। पहले ही ये स्टेट सेकंड वालों को भी इसमें मौका देंगे, हो सकता है एग्जाम बहुत पहले ले ले, लेकिन ये है ना जो आपका टीजीटी 4.0 आएगा इससे पहले एग्जाम ले लेंगे, स्टेट वन और स्टेट सेकंड दोनों को इसमें मौका देंगे ये, ठीक है। और स्टेट पास टीजीटी 4.0 में योग्य है, समझ गए ना, जो ट्री जो आपका स्टेट वन हुआ था उसमें जो पास होंगे आप 7 सितंबर से रिजल्ट आएगा, आप लोग टीजीटी का पेपर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। सी टेट है तो आप पीआरटी भी दे सकते हो, जूनियर भी दे सकते हो, आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग जो फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेट दोबारा देना चाहते हो बिहार का तो 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपके फिर 15 अक्टूबर के करीब आपका पेपर ले लिया जाएगा और जल्दी रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि जो स्टेट में पास होगा उन ताकि उनको मौका मिल सके, वे ये ना कहे कि हमें मौका ही नहीं मिला भर्ती देखने का, तो सबको भर्ती में देखने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है जिन्होंने सी टेट पास किया जुलाई वाला भी उनके लिए गोल्डन चांस है, इतनी बड़ी भर्ती मैं कह रहा हूँ कभी भी कहीं भी किस स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, यूपी में तो भूल ही जाओ, वैकेंसी नहीं आई कभी भी, ठीक है, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा वैकेंसी देखने के लिए तो आपको, ठीक। तो कुल मिला के बात यही है अभी बिहार में अच्छा मौका आपके पास शिक्षक बनने का, गवर्नमेंट जॉब का अच्छी खासी सैलरी है, ऐसी बात नहीं है, आपको जैसे जिस हिसाब से वहाँ सैलरी अगर आपको यूपी की तुलना में कम लग रही है, तुम्हारे रहन सहन का खर्चा भी तो कम है, उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, इसमें कोई भर्ती नहीं दिखाई दे रही, तो आप बिहार में 4.0 की तैयारी में लग जाइए, सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कुछ नहीं, पूरा पेपर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, किसी कोचिंग के बैच के चक्कर मत पड़ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।